कोलाइटिस इतनी भयंकर बीमारी है, इसके लिए तो सबसे अच्छी चीज है, तीन चीजें परमानेंट बंद कर दो, घी, दूध और कोई भी आर्टिफिशियल मीठा, ये तीन तो परमानेंट बंद कर दो। और कपालभाति तो करो, तो वहां इनके पास वो इलाज के लिए गए थे उस समय, उनको इतना भयंकर कोलाइटिस, और कोलाइटिस का रोगी ना आंखों में आंसू बड़ी तड़पता रहता है, बहुत बुरी हालत है, शरीर भी बेकार हो जाता है, टूट जाता है, जो भी खाते हैं हजम नहीं होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, मांसपेशियां कमजोर होती है, पूरा शरीर बेकार हो जाता है, मन खुश नहीं रहता है। कपाल भाती और इसमें सामान्य मुनक्का जीर आदि तो डॉक्टर साहब बताते हैं ठीक ही है, सबसे इसमें अच्छा है छाछ का प्रयोग, और छाछ गाय के दूध की होनी चाहिए, नहीं तो बकरी के दूध की होनी चाहिए। वैसे डॉक्टर साहब तो आजकल सोया की भी देते हैं ना, सोयाबीन की छाछ, हाँ वो भी देते हैं। और इसमें फिर दूसरा बहुत अच्छा होता है अनार, अनार की तो बहुत महिमा, पेट के रोगों के लिए तो रामबाण औषध है, और ये मेरा हजारों रोगों पर किया हुआ प्रयोग है, कोलाइटिस के लिए इससे बढ़िया कोई दवाई नहीं, साथ में ही हार्ट की प्रॉब्लम के लिए अनार चबा चबा के खाओ, सबसे अच्छा तो वो है, उसमें फाइबर्स भी चला जाता है और वो बहुत देर लगेगी उसको लेकिन चबाने में। और अनार में जो, यदि किसी को फाइबर से दिक्कत है ज्यादा से, थोड़ा उसको चबा लो, जितना अधिकतम हो सके महीन फाइबर तो चला ही जाएगा, फिर थोड़ा जो मोटा है उसको आप थूक सकते हैं, उसका जो मोटा फाइबर है। गंगाधर बिलवादी कुटेज घनवटी कुटजारिष्ट, ये सबसे अच्छी चीज है कोलाइटिस के लिए। बेल का चूर्ण तो बहुत ही अच्छा है, बेल का चूर्ण, बेल सबसे अच्छी चीज है, बेल का शरबत बना सकते हैं लेकिन मीठा मत डालना, बेल के शरबत में मीठा ठोक देते हैं, चीनी ठोक देते हैं, उसका फिर कोई फायदा नहीं होगा, बेल का शरबत ऐसे ही पियो।